तरीके से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में मुकेश सकलिया हमारे योग विज्ञान विभाग में सहयोग करने के हेतु डॉक्टर मुकेश सकलिया जी, डॉक्टर नवीन सकलिया जी और हमारे स्टूडेंट नौकर भाई। मैं कभी भी अलाइनमेंट नहीं पढ़ाता अपनी क्लास में। अलाइनमेंट आपको सबको पता है, आपकी बुक में लिखा है कि अगर कोई पोस्टर कर रहे हो आप, ठीक है, जैसे वॉरियर वन कर रहे हो, वॉरियर टू कर रहे हो, आपको पता है हील टू आर्च, राइट। अपने को अलाइनमेंट नहीं सीखना है, अलाइनमेंट तो पता है। हम क्या पढ़ाते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं मिस अलाइनमेंट। अगर आपको मिस अलाइनमेंट पता है तो आप अलाइन खुद कर लो, राइट। जैसे कि बीमारी, ठीक है, जब तक आपको बीमारी का पता नहीं होगा आप मेडिसिन नहीं पढ़ सकते, राइट। तो पहले बीमारी, तो यहाँ पर हमें देखना है कि मिस अलाइनमेंट, क्योंकि 21st सेंचुरी जो हम आजकल जी रहे हैं और कोविड के बाद प्रॉब्लम्स बहुत हो गई हैं, साइकोसोमैटिक, राइट, साइकोसोमैटिक। अभी आप लोग सब प्रेजेंट है यहाँ पर, यस और नो, फिजिकली तो सब यहाँ हो ना, बट मेंटली बहुत सारी चीजें चल रही होगी, वहां क्या हो रहा होगा। सो फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए। योगा नहीं है कि सिर्फ ऑन द मैट, राइट, योगा ऑन द मैट नहीं, योगा आउट ऑफ द मैट भी आपको सीखना है। ये नहीं कि आप फ्लेक्सिबल हैं तो बस फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बहुत सारे मिसअलाइनमेंट्स आजकल जो प्रॉब्लम्स। योगा क्या इंजरीज के लिए बना है? इंजरीज के लिए ओके, वापस आ जाइए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी पे, स्पाइन पे, किस बॉडी, किस पार्ट पे? टेलबोन का कोई रोल है बॉडी में, बताओ पहले। अच्छा, राइट, सेक्रम कितना? 5 होते हैं, कितना होता है? 5 फ्यूज्ड, राइट। सो सेक्रम 2 पे आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। अब पंकज जी जब जाते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग में थोड़ी देर, ठीक है, अब देखना जरा साइड से, देखना आप लोग सब, धीरे धीरे करना भैया, धीरे धीरे, चलो रुक जाओ यहीं पर। अब देखो बॉडी वेट कहां फॉल कर रहा है, इसलिए हिप पे प्रेशर आ रहा है और काफ मसल्स कंप्रेस हो रहे हैं। This is the wrong alignment. जाओ और नीचे। अब सारा बॉडी वेट कहाँ गया? कहाँ है? हील्स पे। नीज हाइपर मोबाइल है सर, राइट, दिस इज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नीज। सो सिंपल चीजें आपको ये छोटी छोटी चीजें देखनी है स्टूडेंट में, राइट, ठीक है। शोल्डर जल जा रहा है, राइट, तो ये मसल जो है यहाँ पर कौन सी मसल है बताओ, कौन सी मसल है? चलो छोड़ो, मसल को छोड़ देते, ज्यादा हो जाएगा ना। ये है ट्रेपीजियस, राइट, ट्रैप्स, मिडिल फाइबर ऑफ द ट्रैप्स, इसके नीचे होती है आपकी रोम्बॉइड्स, राइट, right?
बताओ मुझे कौन सी साइड ज्यादा उठी है, कौन सी नीचे? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड साइड ज्यादा उठी हुई है। लेफ्ट एंड साइड राइट उठी है। देखो टाइट है कि नहीं है, देखो टाइट है। पत्थर किधर आएगी नहीं है, लाइक अ स्टोन, मसल्स टू मच, बहुत ज्यादा टाइट है, राइट? सो फॉर बिल्डिंग ऐसे करने का कोई फायदा नहीं, राइट? जब तक इस चीज को लूज नहीं करोगे क्या होगा, ये चीज लूज नहीं होगी तो प्रेशर कहाँ जाएगा आपका? नीज पे। और नीज का प्रेशर डालेंगे हील्स पे, राइट? सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, क्या करना है हमें? स्ट्रेच करना था, देख, राइट? वी हैव टू स्ट्रेच दिस एरिया फर्स्ट। अब मैंने देखा राइट साइड राइट है, लिगामेंट्स मोस्टली जब भी आपको भी बैक पेन होता है क्या बोलते हो? ये दर्द हो रहा है, ये बोलते हो ना? ये खुद भी कर सकते हैं, अगर जरूरी नहीं कि हमेशा कोई साथ, राइट? एक होता है ओवर कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है स्ट्रेचिंग, एक होता है ओवर स्ट्रेचिंग। साइड से अभी सर की गर्दन देखोगे तो क्या थोड़ा सा टेढ़ी है, राइट? कंप्यूटर देखो, राइट? ये पोस्टरल इंबैलेंस देखेगा।